लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी ने नवम्बई मनपा चुनाव साथ लड़ने की तैयारी कर ली है। आज सानपाड़ा के वड़ार भवन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के स्थानीय नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनाई गई। इस बैठक में शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, विजय चौगुले, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, एनसीपी के अशोक गावड़े एवं संदीप सुतार खास तौर पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवम्बई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने महाविकास आघाड़ी ने पूरी तैयारी कर ली है। आज सानपाड़ा के वड़ार भवन में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के शीर्ष स्थानीय नेताओं ने बैठक की, जहां एक साथ चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, एनसीपी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े, जिला प्रमुख विट्ठल मोरे समेत तीनों दलों के कई पदाधिकारी मौजूद थे। महाविकास आघाड़ी नेताओं ने जोर देकर कहा कि अगला मनपा चुनाव तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, हालांकि इसका अंतिम फैसला पार्टी आला कमान करेंगे। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका यापूर्वी ड्यू झालेले आहेत आणि राज्य निवडणूक आयोग जी तारीख आता जाहीर करेल त्यावेळी त्या निवडणुका होतील। राज्यामध्ये आघाडीचं सरकार आहे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्रितपणे काम करत आहेत सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली। नव्या मुंबईमध्ये देखील हे तिन्ही पक्ष, पूर्वी निवडणुका 2 वर्षापूर्वी होणार होत्या तेव्हा देखील सबंध शहरामध्ये एकत्रितपणे आम्ही काम करत होतो, मेळावे घेत होतो, कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेत होतो। आता निवडणुका आल्यानंतर पुन्हा एकदा कार्यकर्त्यांना जोमाने कामाला लावण्यासाठी स्ट्रॅटेजी आखण्याच्या दृष्टीनं, त्याच्यानंतर प्रभाग रचनेच्या अनुषंगानं, उमेदवाराच्या अनुषंगानं एक अनौपचारिक चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेची प्रमुख, आमचे सगळे जिल्हा प्रमुख आहेत, चौगुले साहेब आहेत, शहर प्रमुख आहेत, त्याच्यानंतर काँग्रेसचे शेट्टी साहेब आहेत, रमाकांतजी आहेत, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आहेत, कौशिक साहेब होते, ही सगळी मंडळी या ठिकाणी आलेली आहेत आणि आम्ही जवळजवळ एक तास दीड तास विविध विषयावर चर्चा केली की येण्याच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने काय करता येईल। आणि मला प्रथमदर्शनी असं दिसतं आहे, प्रत्येक पक्षातले आमचे लोक, आमचे इथले जे लोकल पदाधिकारी आहे, त्यांनी आपापल्या वरिष्ठांशी या बाबतीमध्ये अनौपचारिक चर्चा केलेली आहे आणि युतीची आवश्यकता कशी आहे आणि युतीमुळे सहजपणे सत्ता येऊ शकते हे त्यांना समजावून सांगितलेलं आहे। तर मग आता पुढे शहरामध्ये कसं काम करायचं या अनुषंगाने आम्ही एकत्रित आलो। भाजपने राज्यपाल के पास एक निवेदन दिया की महाविकास आघाडीने वाडा में घोटाला किया है। पहली बात तो उनको मालूम कैसे पड़ा, इसका मतलब सब उनके हिसाब से झूठ आरोप लगा रहे, उसको काउंटर करना था। दूसरा, रेवेन्यू खाता हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, गृह खाता है, वित्त खाता है, एक्साइज टैक्सेशन है, ये एनसीपी पास है, यूडी है, उद्योग है, ये खाते शिवसेना के पास है। तो सामयिक जो के प्रश्न है वो बैठ के मिटाने, अपने जनता के प्रश्न छूटने चाहिए। मंत्री लोग से कैसे मिला जाए, क्या किया जाए, इन बातों पर चर्चा हुई। बाकी छोटे छोटे विषय थे इलेक्शन संबंधी, उन पर चर्चा हुई। सीट का बंटवारा ये वो कोई चर्चा कभी एक भी चर्चा नहीं हुई इस बात के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं हुई। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार है, उसके माध्यम से पब्लिक के प्रश्न कैसे छुटा सकते हैं, ये भाजपा हद्दपार कैसे हो सकती है, इन बातों पर चर्चा हुई। आघाड़ी होने वाले नहीं होने वाले, देखो इसके ऊपर 12 तारीख को हमारी मीटिंग हुई पार्टी की, उस मीटिंग में डॉक्टर उल्लास पाटिल माजी खासदार आए थे, जो हमारे पर्यवेक्षक है, उसका पूरा अहवाल
और आज का पूरा अहवाल मैं पक्ष श्रेष्ठ को दूंगा, वो निर्णय लेंगे, जो वो करेंगे वो हमको मंजूर है। बताया जा रहा है कि नवीनभाई के कुल 122 सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के स्थानीय नेताओं ने आपसी सहमति बना ली है। सूत्रों की माने तो शिवसेना को 75 से 80 सीट, एनसीपी को 20 से 25 सीट, जबकि कांग्रेस को 18 से 20 सीट देने का फार्मूला भी तय हो चुका है। हालांकि अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि यदि यह गठजोड़ बनता है तो बीजेपी और गणेश नाइक की टेंशन बढ़ सकती है। इसे सफल बनाने के लिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।